नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आप तो जानते होंगे 2020 हम इंसानों के लिए एक मनहूस साल है। इस 2020 में तरह तरह के खतरे हमारी धरती पर मंडरा रहे हैं और 2020 के शुरुआत में ही नासा ने अनाउंस कर दिया कि इस साल सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉइड गुजरने वाले हैं हमारी धरती के ऑर्बिट से। और उन्होंने कहा था कि 2020 में टोटल 22 एस्ट्रॉइड हमारी धरती के करीब से गुजरने वाले हैं, उसमें से 10 एस्ट्रॉइड तो सिर्फ जून महीने में ही गुजरेंगे। दोस्तों ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हो तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट लिखकर गूगल पर सर्च कर सकते हो, जिसमें आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा, एक लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें 2020 में टोटल कितने एस्ट्रॉइड और कौन से महीने में हमारी धरती के करीब से गुजरने वाले हैं, वो सारा कुछ नॉलेज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और कल 11 जून है और कल 11 जून को 2020 JS1 का नाम का एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। दोस्तों इस लिस्ट में आप देख सकते हैं 11 जून को रात को 11:21 पर एक एस्ट्रॉइड 2020 JS1 नाम का एस्ट्रॉइड हमारी धरती से करीब 9,87,400 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। नासा के अनुसार इस एस्ट्रॉइड का व्यास लगभग 600 मीटर के आसपास बताया जा रहा है। जून महीने में है टोटल 10 एस्ट्रॉइड हमारी धरती के करीब से गुजरने वाले हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जो हमारी धरती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो आकार में काफ़ी छोटे हैं और वो हमारी धरती के इतनी दूरी से गुजरेंगे कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे अपने और आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन यह 2020 JS1 नाम का एस्ट्रॉइड जो कल हमारी धरती के करीब से गुजरने वाला है, वह 9,84,887 किलोमीटर दूर से गुजरने वाला है। इस एस्ट्रॉइड से हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि इतनी दूरी से हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण इसे अपने और आकर्षित नहीं कर सकती। दोस्तों इस स्क्रीनशॉट में आप देख पाओगे कि यह एस्ट्रॉइड कल हमारी धरती से कितनी दूर से गुजरेगा, करीब करीब हमारे मून से एक तिहाई दूरी से गुजरने वाला है। दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 2020 हम इंसानों के लिए एक मनहूस साल है क्योंकि 2020 में हमारी प्यारी दुनिया कई खतरों से गुजर रही है। सबसे पहले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, जिसके बाद हमारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। और साथ ही नासा ने कहा कि 2020 में सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड हमारी धरती के ऑर्बिट से होकर गुजरने वाले हैं, जिसमें 29 अप्रैल का एस्ट्रॉइड और 6 जून का एस्ट्रॉइड हमारी धरती पर खतरा साबित हो सकता था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारी धरती पर अंतरिक्ष से रोज सैकड़ों एस्ट्रॉइड गिरते हैं, लेकिन वो हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही वायु के घर्षण से जलकर नष्ट हो जाते हैं और हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर किसी एस्ट्रॉइड का व्यास 8 से 10 मीटर से ज्यादा है तो वह हमारी धरती तक पहुंचने में कामयाब हो सकता है क्योंकि वह वायु के घर्षण से पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाता है और हमारी धरती तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसे ही अंतरिक्ष से रिलेटेड वीडियो और एस्ट्रॉइड्स की न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और जाते जाते हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें।